विद्यार्थियों, दसवीं कक्षा की हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। मैं तुम लोगों के साथ आलोचना कर रही थी तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक आलोक भाग दो के अंतर्गत सड़क की बात पाठ के बारे में, और जिसके लेखक थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी, जो विश्व कवि के रूप में ख्यात है। और इस कहानी में हमको एक सड़क की आत्मकथा की बात मिलती है, जहाँ एक सड़क ने अपनी आत्मकथा के जरिए मानवीय परिस्थितियों को उजागर करने का प्रयास किया है, और लेखक ने सड़क के द्वारा एक सड़क के मन की बात को उजागर करने का प्रयास किया है। तो पहले के पाठ्यांश में हमको क्या मिला था, क्या सड़क शापग्रस्त है, उसने आपको शापग्रस्त कहा है और कहा है कि कितनी युगों से वह पड़ा हुआ है बेहोशी की हालत में, और उसके इतने भी ख्वाहिश नहीं कि वह अपने ऊपर हरी डूब डाल सके, या उसके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वह सिरहाने पर एक छोटा सा नीला फूल खिला सके। तो वह सिर्फ महसूस कर सकती है, क्योंकि वह अंधे की तरह पड़ी रहती है, वह सिर्फ महसूस कर सकती है और किसी की पैरों की ध्वनि, पैरों की आहट सुन सकती है, और लाखों चरणों के स्पर्श से उनके हृदय की आत्मकथा को वह पढ़ लेती है, और उनके सुख गृहस्थी के बारे में भी उसे पता चलता है, और जिसके पास घर नहीं है उसके बारे में भी उसे पता चल जाता है। सदियों से उसने बहुत सी कहानियों को सुना और बहुत से गीतों को सुना, किसी के बाद अधूरे रह गए और किसी के बाद जब वो सुनना चाहता है तो सुनने को नहीं मिलता, वह चला जाता है, ठीक चला जाता है, और कब उसके साथ भेंट होगी यह भी उसे मालूम नहीं है, और कब उसकी अधूरी गाना सुना पाएगी यह भी उसे मालूम नहीं है। इतने तक की बात हमने पाठ्यांश हमने पढ़ी और यही हमें इस पाठ्यांश पर मिली। अगली की कहानी में या पाठ में हमको क्या मिलने वाला है आओ देखें। उससे पहले थोड़ी सी शब्दार्थ जान लें। संताप मन का दुख, कोसना गाली देना, हास्य लहरी हंसी की तरंगे, साथ हिस्सा होले होले धीरे धीरे, अरुण लाल धुआंधार धुएं से भरा। तो अगले पाठ्यांश पे हमको क्या मिलने वाला है आओ देखें। समाप्ति और स्थायित्व शायद कहीं होगा, पर मुझे तो दिखाई नहीं देता। एक चरण सिंह को भी मैं ज्यादा देर तक नहीं रख सकती, मेरे ऊपर लगातार चरण सिंह पड़ रहे हैं, पर नए पांव आकर पुराने सिंहों को पहुंच जाते हैं। जो चला जाता है वो पीछे कुछ छोड़ ही नहीं जाता, कदाचित उसके सिर के बोझ से कुछ मिलता भी है तो हजारों सरनों के तले लगातार कुचला जाकर कुछ ही देर में वह धूल में मिल जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि सड़क ने कहा है कि समाप्ति और स्थायित्व मुझे दिखाई नहीं देता, होगा शायद मुझे दिखाई नहीं देता, और कोई भी पद चिन्ह उस पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, दूसरा पद चिन्ह आकर उसे पूछ जाता है। तो कि समाप्ति कथार समाप्ति स्थायित्व जी स्थिरता सीट थे कि मैं हमें देखा ना, और मोर ऊपर जी पदचिह पड़े सी बेसि देरीलैक नाथा, और कि कैसे जे कहे पदचिह मचि जाए और नतुन पदचिह तक पेल थे जाए और धूलर मोर धूलर मिलित है। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, सबका उपाय मात्र हूँ, मैं किसी का घर नहीं हूँ पर सबको घर ले जाती हूँ, मुझे दिन रात यही संताप सताता रहता है कि मुझ पर कोई तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता, मुझ पर कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता, जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे कोसते हैं और साफ देते रहते हैं। मैं जो उन्हें परम धैर्य के साथ उनके घर के द्वार तक पहुँचा देती हूँ, इसके लिए कृतज्ञता कहाँ पाती हूँ। वे अपने घर आराम करते हैं, घर पर आनंद मनाते हैं, घर में उनका सुख सम्मेलन होता है, बिछुड़े हुए सब मिल जाते हैं और मुझ पर केवल थकावट का भाव दर्शाते हैं, केवल अनिश्चाकृत श्रम हुआ समझते हैं, मुझे केवल विच्छेद का कारण ही मानते हैं। तो यहाँ सड़क का कहना है कि
लोग उसे विस्तृत का कारण ही मानता है। अगर पथ ज्यादा दूर तक जाना पड़ता है, सड़क सड़क से ज्यादा दूर तक जाना पड़ता है, तो लोग बोलते हैं कि कब खत्म होगा ये सड़क, ऐसे बोलता है। और इसलिए यहाँ कहा गया है कि मैं सबका उपाय मात्र हूँ, कोई मुझ पर कृतज्ञता का प्रकाश नहीं करता। और क्या करता है कि धैर्य के साथ मैं उसको जो घर तक पहुंचा देते हैं, मुझे कृतज्ञता से कुछ बोली बोल नहीं जाते वो लोग। আৰু কি কৈছে ইয়াত, যে কৈছে যে মই কাৰো লক্ষ্য নহয় বুলি পথটোৱে কৈছে, যে মই কেৱল মাত্ৰ এটা সকলোৰে বাবে উপায়হে। কি কৈছে, মই কাৰো ঘৰ নহওঁ, কিন্তু মই ঘৰলৈ যিটো যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক ঘৰ পোৱাওঁগৈ তাৰ এটা সাধন মাত্ৰ। আৰু কি কৈছে, মই সেইকাৰণে মোৰ গোটেই জীৱনত মোৰ এটা দুখ থাকি গ'ল যে মই যাক ঘৰ পোৱাই দিওঁগৈ বা লক্ষ্য স্থানত উপস্থিত কৰাওঁ, তেওঁ কিন্তু মোক কোনো দিনা কৃতজ্ঞতাৰে এষাৰ কথা কোৱা নাই। কেৱল কিন্তু মোক দুখহে দিয়ে যে মই কিয় ইমান দীঘল বা মোৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই সোনকালে ঘৰ পোৱা নাই, এনেকুৱা ভাৱত মোক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কিন্তু নকৰে, অকৃতজ্ঞহে হয়। আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে মই কি কৰোঁ, তেওঁলোকক ঘৰত ঘৰ পোৱাই দিওঁগৈ, কিন্তু তেওঁলোকে ঘৰত গৈ আৰাম কৰে, আনন্দ আনন্দ উদযাপন কৰে আৰু সুখ সন্মিলন পাতে, তেওঁলোক লগ হয়। মই বিচ্ছিন্ন হৈ থকা লোকসকলক একগোট কৰাওঁ আৰু কি কৰোঁ, তেওঁলোকে কিন্তু মোৰ ওপৰত ভাগৰৰ ভাৱ এটাহে জাহিৰ কৰে আৰু অনিচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁলোকে যে শ্ৰম কৰি ৰাস্তাটোৰে আহিলে বা পথটোৱেদি আহিলে, সেই কথাটোৱে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰে আৰু মোক বিচ্ছেদৰ কাৰণ বুলি ভাবে। ক্যা ইচি তাৰা বাৰ বাৰ দূৰ হি চে ঘৰ কে ঝৰোখে মে में से पंख पखार कर बाहर आती हुई मधुर हास्य लहरी मेरे पास आते ही शून्य में विलीन हो जाया करेगी। घर के उस आनंद का एक कण भी, एक बूंद भी मैं नहीं पाऊंगी। तो रास्ता पे दुख प्रकाश कोई से कि बोली जे ये जे हाहिर जी तरंग बा हाहिर लहर तो जी तो उनका घर और मधुर से दे पार हुआ है বা উৰি আহে, সেই কথাটো কৈছে যে তাহি শূন্যত বিলীন হৈ যায়, বিলীন হৈয়ে যাব নেকি, এনেদৰে বিলীন হৈ থাকিব নেকি, বা মই তাৰ আনন্দৰ এটা কণৰ সমানো ভাগ নাপাম নেকি, এইদৰে পত্ৰে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। কভি কভি ৱহ ভি পাতি হওঁ ছোটে ছোটে বচ্চে জো হাঁসতে হাঁসতে মেৰে পাছ আতে হে আৰু শোৰগোল মচাতে হুৱে মেৰে পাছ আকৰ খেলতে হে আপনে আপনে ঘৰ কা আনন্দ ৱো মেৰে পাছ লে আতে হে। उनके पिता का आशीर्वाद और माता का स्नेह घर के बाहर निकलकर मेरे पास आकर सड़क पर ही मानो अपना घर बना लेती लेता है। तो सड़क ने यह क्या कहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वही मेरे आनंद का सच्चा कारण होता है, और वो मेरे पास क्या ले आते हैं, पिता का आशीर्वाद और माता का स्नेह लाकर मेरे ऊपर डाल लेती हो और जैसा एक घर बन जाता है, अपना घर बना लेता है। मेरी धूल में वे स्नेह दे जाते हैं, प्यार छोड़ जाते हैं, मेरी धूल को वे अपने वश में कर लेते हैं और अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से उसकी ढेरी पर होले होले थपकियां दे देकर परम स्नेह से उसे सुलाना चाहते हैं। अपना निर्मल हृदय लेकर वे बैठे बैठे हुए उसके साथ बातें करते हैं, हाय हाय इतना स्नेह इतना प्यार पाकर भी मेरी यह धूल उसका जवाब तक नहीं दे पाती, मेरे लिए कैसा साफ है यह। तो रास्ता तो की कैसे जे हड़ु हड़ु लड़ी जी पद पद जुगल ওপর পড়ে রাস্তাটোর ওপর পড়ে তেতিয়া কি হয়, তেওঁলোকে যি হুলস্থুলীয়া পরিবেশৰ সৃষ্টি করে, আনন্দ করে, আৰু সেই হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজত কি হয়, মই এখন ঘৰ পাওঁ, সেই আনন্দৰ মাজত মই এখন ঘৰ পাওঁ, দেউতাকৰ আশীৰ্বাদ মাকৰ মৰম স্নেহ লৈ যেতিয়া তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলায় আৰু ৰাস্তাটোৱেদি আহে বা মোৰ ওপৰেদি যায়, তেতিয়া তাতে এটা ঘৰ বনাই লয় আৰু তাত মৰম স্নেহেৰে মোৰ ধূলিক আঁকোৱালি লয় আৰু মৰমেৰেই মোৰ ধূলিখিনি মচি দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ সৰু সৰু কোমল হাতেৰে কি কৰে, লাহে লাহে কি কৰে, চাপৰি বজাই পৰম স্নেহেৰে খুৱায়, সেই ধূলিখিনি খুৱায় বুলি কৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ নিৰ্মল যি চাফা হৃদয় আৰু সেই হৃদয়েদি বহি বহি কি কৰে, তাতে কথা পাতে আৰু কৈছে যে ইমান মৰম ইমান স্নেহ আৰু ইমান
মৰম পাই কি হৈছে মই কি কৰিম মোৰ ঢুলিখিনিয়ে কিন্তু তাৰ উত্তৰ দিব নেজানে বা নোৱাৰে সেইটোৱে কৈছে মই কোনোবা কাৰোবাৰ মই হাবগ্ৰস্ত হৈ আছোঁ আৰু সেইকাৰণে ৰাস্তাতে দুখ প্ৰকাশ কৰি কথাখিনি কৈছে छोटे छोटे कोमल पाँव जब मेरे ऊपर से चले जाते हैं तब अपने को मैं कठिन अनुभव करती हूँ मालूम होता है उनके पाँव में लगती होगी उस समय मुझे कुसुम कली की तरह कोमल होने का साठ होती है अरुण शरण जे ऐसी कठोर धरती पर क्यों चलते हैं किंतु यदि ना चलते तो शायद कहीं भी हरी हरी घास पैदा ना होती तो लेखक ने यहाँ बड़ी सुंदरता से छोटे छोटे बच्चों की जो सरन स्पर्श है उससे हरी घास पैदा हो जाती है ऐसा मनोमोहा चित्रण यहाँ किया है तो उसकी छवि हमें दिखाई है तो कि कैसे जो हरू हरू लड़ा छाली जो सरन स्पर्श रास्ता ऊपर पड़े तैयार रास्ता निजे कि है पथटे निजे बड़ कठिन अनुभव कर তেতিয়া ভাব হয় যে ময়ো যদি কোমল হ'লোহেঁতেন আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভৰিত হয়তো মই নালাগিলোহেঁতেন বা তেওঁলোকে দুখ অনুভৱ নকৰিলেহেঁতেন আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে তেতিয়া মই কুসুম কোমল হ'বলৈ মোৰ মনটোৱে কি হয় ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে বুলি পত্ৰে আমাক কৈছে আৰু অৰুণ চৰণ তেওঁলোকৰ ৰঙা ৰঙা ভৰিবিলাক এনেকুৱা কঠোৰ মানে কঠোৰ পৃথিৱীৰ সৈতে লগ লাগি কি হয় দুখ পায় বা কঠোৰতা অনুভৱ কৰে তেনেধৰণৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু যদি তেওঁলোক নাহে পৃথিৱীত কেনেকৈনো সেউজীয়া ঘাঁহ উৎপন্ন হ'ব বা পৃথিৱী সুন্দৰ হ'ব এই কথাটোৱেই ৰাস্তাটোৱে কৈছে প্ৰতিদিন নিয়মিত ৰূপে যো মেৰে ওপৰ চলতে হে উনহে মে আচ্ছি তৰহ পহচানতি হু পৰ ৱে নহি জানতে কি উনকে লিয়ে মে কিতনি প্ৰতীক্ষা কিয়া কৰতি হু মে মন হি মন কল্পনা কৰ লেতি হু बहुत दिन हुए ऐसी ही एक प्रतिमा अपने कोमल चरणों को लेकर दोपहर को बहुत दूर से आती छोटे छोटे जो दो नुपुर रुनझुन करके उसके पाँव में रो रो कर बसते रहते शायद उसके ओठ बोलने के ओठ ना थे शायद उसकी बड़ी बड़ी आंखें सिंधा के आकाश की भांति म्लान दृष्टि से किसी के मुंह की ओर देखती रहती तो कभी कभी नहीं लेखक ने यहाँ सड़क के द्वारा प्रकट किया है कि सड़क ने क्या कहा है कि यहाँ एक प्रतिमा की कल्पना वह करती है और उसके चरणों की जो स्पर्श और उसकी नुपुर की जो रुनझुन आवाज़ वो सुनती रहती है और संध्या के आकाश की भांति क्या होता है कि उसकी म्लान दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है तो ৰাস্তাটোত কি কৈছে যে প্ৰতিদিন নিয়মিত ৰূপে মোৰ ওপৰেৰে বহু মান পাৰ হৈ যায় বহু লোক পাৰ হৈ যায় যাক মই চিনি পাওঁ কিন্তু কেতিয়াবা কি কৰোঁ মই তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰতীক্ষা কৰি থাকোঁ সেইটো সেই কথাটো তেওঁলোকে হয়তো নাজানে আৰু মনতে মই কল্পনা কৰি লওঁ যে এগৰাকী প্ৰতিমা আহিছে আৰু ভৰিত কি পিন্ধিছে ৰুনঝুন নুপুৰ শব্দ হৈছে ৰুনঝুন শব্দ হৈছে নুপুৰৰ আৰু কি হৈছে ভৰিৰ সেই নুপুৰে কি হৈছে ৰৈ ৰৈ কান্দিছে আৰু তেওঁলোকৰ উঠে সেই প্ৰতিমাগৰাকীৰ উঠৰেৰে কথা কোৱা নাই সেই কথাটো ইয়াত ব্যক্ত কৰিছে আৰু কৈছে যে আৰু তাৰ যি ডাঙৰ ডাঙৰ চকু সন্ধিয়াৰ বা গধূলিৰ আকাশৰ দৰে কি হৈছে ম্লান দৃষ্টিৰে কাৰোবাৰ ফালে চাই আছে বুলি কৈছে এছে কিতনে হি পাও কে শব্দ নীৰৱ হো গে মে কিয়া উনকি য়াদ ৰখ সকতি হু सिर्फ उन पाओ की करुण नुपुर ढनी अब भी कभी कभी याद आ जाती है पर मुझे क्या घड़ी भर भी शोक या संताप करने की छुट्टी मिलती है शोक किस किस के लिए करें ऐसे कितने ही आते हैं और चले जाते हैं तो सरक ने यहाँ क्या कहा है कि पाँव के शब्द कितने ही पाँव के बहुत से सैकड़ों लोगों के पाँव के शब्द सुनते आए हैं और लेकिन करुण धनी नूपुर के भी सुनते आए हैं लेकिन उनको याद रखने की उसके पास फुर्सत नहीं कि कैसे जे सीखी मन रखे समय ना जीतु नूपुर करुण ध्वनि शुनी थके के मन ले बहु लोकर पदध्वन शब्द शुना पाए कि कथा मन रखक लुख सन्ताप समय ना और সেইকাৰণে কৈছে যে কাৰ কাৰ কাৰণে কৰিম মই কাৰ কাৰণে মই ভোগ কৰিম কোনজনৰ কাৰণে কৰিম
और कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, रास्ता पर किमान मानु आहे और किमान गुसि जाए, माने कार कार कारणे मय को कांटा करे। उफ ऐसा करा घाम है, एक बार सांस छोटी हो तो तपी हुई ढोल सुनी आकाश को धुआंधार करके उड़ चली जाती है। अमीर और गरीब, जन्म और मृत्यु, सब कुछ मेरे ऊपर एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह उल्टा चला जा रहा है। इसलिए सड़क के ना हंसी है ना रोना, मैं अपने ऊपर कुछ भी परा रहने नहीं देती, ना हंसी ना रोना, सिर्फ मैं अकेली परी हुई हूँ और परी रहूंगी। यहाँ लेखक ने सड़क की जो अकेलेपन उसकी उसको महसूस किया है, मनुष्य जीवन में जो भी सब कुछ होते हुए भी अकेलापन भी आ जाता है, इसलिए इस सड़क की बात पाठ में उसने मानवीकरण भी किया है, उसका जो सड़क की आत्मक कथा है उसके जरिए यहाँ मानवीकरण भी किया गया है। मनुष्य के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ बताया भी गया है। और सड़क ने कहा है कि मैं सांस छोटी हूँ तब क्या होता है कि तपी हुई धूल सुनील आकाश को धुआंधार करके उड़ी चली जाती है। अमीर हो या गरीब, जन्म मृत्यु, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं ना रोती हूँ ना हंसती हूँ, सिर्फ परी रहती हूँ अकेले। तो यकी कोशे जे मोर जी कष्टर घाम, मानने कठोर घाम ऊल्से मैं एट तपत पथत पथर गड़ी हुई आसो, मैं तपत हुई आसो, मोर धूलिवल तपत हुई आसे, और सुनील आकाशर नीला आकाशर आकाशत की धुआंबा कला हो उड़ी गई से, दुखिया हक धनी हक जन्म मृत्यु यार मोर ये धूलिर बिलाक मिली गई बुली कैसे सकोरे ढोलर एट हूद बै गई से, और कि कैसे और मैं कि करूँ, मैं एट रास्ता और मोर कगरिया ना, सको मोर सको गुस जाए, कोर कारण रही नाथे और विच्छेद कारण बुलिये बे गोटे आत्मकथाखि इतना कैसे, सरकार मैं न कदो ना हाँ ये कथाखि कैसे, मैं अकेली पारि रहती हूँ सिर्फ अकेले। और इतना जी एकाकित्व एकाकित्व सी कथा वर्णना दांगी धरी से। इसमें तुम लोगों का यह बात समाप्त होता है, आशा करती हूँ तुम लोगों को समझ में आई होगी। और सड़क की बात इस पाठ में हमको मिला कि लेखक ने सड़क का यहाँ मानवीकरण किया है, सड़क अपनी आप बीती कहानी को सुना रही है। दरअसल इस पाठ में लेखक ने क्या किया है, अपने सूक्ष्म और पेनी दृष्टि से सड़क के अंतरतम का निरीक्षण किया है, और उसके निरीक्षण करके उसके आकांक्षा जो है स्थिति एवं उनके अनुभवों का ऐसा मार्मिक चित्रण किया है कि सड़क की बातें जीवंत हो उठी है। तो इसमें सड़क की बातों के जरिए मानव जीवन की कई महत्वपूर्ण बातों को उजागर करने का भी प्रयास किया गया है, और सुखी गृहस्थी कैसी होती है, मनुष्य जीवन की संस्थायित्व है, और बच्चों की कोमलता का जो भाव, बच्चों की हंसी खुशी, और जीवन में जो अकेलापन होता है, जीवन की दौड़ आदि सभी बातों का यहाँ उजागर हुआ है, और लेखक ने बड़ी सुंदर रूप से उसे उजागर करने का प्रयास भी किया है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए मेरा पाठ यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ तुम लोग ठीक से पढ़ोगे और उसे समझने की कोशिश भी करोगी। और आज के लिए आती हूँ, धन्यवाद।